वेलकम फ्रेंड्स इन कुकिंग स्कूल। आज हम पालक पनीर की सब्जी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और एकदम रेस्टोरेंट जैसी ही बनती है और घर पर इसे बनाना भी बहुत आसान है और आजकल तो बाजार में फ्रेश पालक भी बहुत मिल रही है। तो चलिए हम फटाफट ये पालक पनीर की टेस्टी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर से कर देना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये सब्जी बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और बहुत ही कम चीजों से बनकर तैयार हो जाती है। तो हमने यहाँ पर लिए है 250 ग्राम पालक के पत्ते, जिसे अच्छे से धो लिया है। 2 प्याज लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च, 2 टमाटर, 1 ली है 2 चम्मच, 5-6 लहसुन की कलियां और पनीर लिया है 100 ग्राम। पनीर आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम पालक को उबाल लेंगे। एक पतीले में 4 गिलास पानी डालकर मीडियम गैस पर इसे गर्म कर लेंगे। तो पानी गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे पालक के पत्ते। पालक को हमें थोड़ा सा नरम हो जाए उतना ही उबालना है, नहीं तो ये ज़्यादा पक जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। वैसे तो पालक को डायरेक्ट कट करके भी आप ये सब्जी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह पालक को उबालने से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और रेस्टोरेंट वाली सब्जी का टेस्ट आपको घर पर ही मिल जाता है। तो हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लिया है और ये नरम भी हो गया है। अब इसे एक छलनी में निकाल लेंगे और 2 गिलास ठंडा पानी डाल देंगे ऊपर, जिससे पालक के पत्ते एकदम ठंडे हो जाए। तो अब इसे साइड में रख देंगे और एक कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल और मीडियम गैस पर इसे गर्म कर लेंगे। तो तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च, मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इसे और आधे मिनट के लिए इसे पकने देंगे। सब्जी बनाने के लिए हमें पालक और ये सारी चीज़ों का पेस्ट तैयार करना है, इसलिए ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसे। अब इसमें डाल देंगे लहसुन की कलियां। ये सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा ही पकाना है, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए और इसका पेस्ट भी आसानी से बन सके। अब ढककर इसे 1 मिनट के लिए रहने देंगे। तो ये थोड़ा सा नरम हो गया है, अब इसमें डाल देंगे टमाटर, मिक्स करके इसे मीडियम गैस पर ही 1 मिनट के लिए रहने देंगे। वैसे तो पालक में से कई सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन ये सब्जी का टेस्ट इतना अच्छा आता है कि आप इसे रोटी या पराठा के साथ खाओ और स्पेशली नान के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पक चुकी है, अब 2 मिनट के लिए इसे ठंडा करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब एक मिक्सर जार लेकर इसमें डाल देंगे पालक के पत्ते। देखिए पत्ते भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे प्याज और टमाटर और क्रश कर लेंगे इसे। पानी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि हमें गाढ़ा पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट तैयार हो गया है, देखिए एकदम गाढ़ा ही बना है ये। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर मीडियम गैस पर इसे गर्म कर लेंगे। ये गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन और 1/2 चम्मच हींग। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसे। अब डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसालों को थोड़ा सा भून लेना है तेल में। एक चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। तो मसाले थोड़े से भून चुके हैं, अब डाल देंगे पालक का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे इसे मसालों में। हमने गाढ़ा पेस्ट बनाया है, लेकिन आप अपने पसंद के हिसाब से ग्रेवी को थोड़ा सा पानी डालकर पतला भी बना सकते हैं।
ये थोड़ा सा उबलने लगा है, अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक। मिक्स कर लेंगे इसे। अगर आपको पालक पनीर की सब्जी बनानी हो तो इस तरीके से ही बनाना, देखना आपको और घर वालों को इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा। 2 चम्मच जितना पानी डाल देंगे जिससे ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाएगी और चलेगी भी नहीं। हमने ये सब्जी को रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है, तो आप एक बार ये सब्जी की रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको रेस्टोरेंट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और घर पर आए हुए मेहमान को भी आप ये सब्जी बनाकर खिलाओगे तो उसे भी इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा। तो ये अच्छे से उबलने लगा है, अब इसमें डाल देंगे मलाई। मलाई आपको जितनी पसंद हो अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। इसमें मलाई डालने से सब्जी एकदम क्रीमी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, हमने इसे लास्ट में ही डाला है जिससे सब्जी में फ्लेवर और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। कई लोग पनीर को फ्राई करके डालते हैं इसमें, लेकिन कच्चा पनीर डालने से पनीर एकदम सॉफ्ट रहता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा पनीर डाल देंगे छील कर इसके ऊपर, जिससे ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो देखिए बनकर तैयार हो गई है हमारी पालक पनीर की सब्जी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।